नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बड़ी खबरें। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर पर एक अंग्रेजी कविता को हिंदी में अपने नाम से छपवाने के बाद केसरी फिल्म के गाने तेरी मिट्टी में मिल जावा को भी कॉपी करने का आरोप लग रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि ये गाना साल 2005 में ही पाकिस्तान में आया था, मुंतशिर ने वहीं से इसे कॉपी किया है। इस कॉन्ट्रोवर्सी पर मुंतशिर ने ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए कहा, 200 पन्नों की किताब और 400 फिल्मी गैर फिल्मी गाने मिलाकर सिर्फ 4 लाइनें ही ढूंढ पाए, इतना आलस, और लाइनें ढूंढो मेरी भी और बाकी राइटर्स की भी, फिर एक साथ फुर्सत से जवाब दूंगा। मनोज मुंतशिर ने गुरुवार को फिर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि तेरी मिट्टी गाना अगर कोई साबित कर दे कि इस गाने को कहीं से चुराया गया है तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। 23 सितंबर को फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार प्रेम चोपड़ा का बर्थडे होता है। प्रेम चोपड़ा का नाम आते ही मन में एक खौफनाक खलनायक की तस्वीर बन जाती है। हो भी क्यों ना, प्रेम चोपड़ा ने अपनी कलाकारी से खलनायकी की अलग परिभाषा लिखी है। प्रेम चोपड़ा इस जन्मदिन पर 86 वर्ष के हो जाएंगे। अपनी एक्टिंग से प्रेम चोपड़ा की ऐसी छवि बनी है कि लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते ही डर जाते हैं। उनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा आज भी लोगों की जुबान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के रास्ते जहाज में बैठे हुए उन्होंने एक तस्वीर साझा की। इस तस्वीर में पीएम कुछ कागजात पढ़ते नजर आ रहे हैं, उनके आसपास तमाम फाइलें भी रखी हैं। पीएम की तस्वीर के साथ कैप्शन दिया, लंबी फ्लाइट के दौरान आपके जरूरी कागजात और फाइलें निपटाने का भी मौका होता है। पीएम की इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोग पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर साझा कर रहे हैं। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री भी जहाज में बैठे बैठे पीएम मोदी की तरह ही फाइलें पढ़ते और काम निपटाते नजर आ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पोते समीप शास्त्री लिखते हैं, मैं हमेशा दादाजी लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समानताओं की बात करता हूं। रफा नाम के यूजर लिखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर विदेश यात्रा के बाद फ्लाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या आपके पास ऐसा करने का साहस है। फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान उर्फ केआरके अपने ट्वीट से फिल्म इंडस्ट्री में तो खलबली मचाए ही रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने राजनीति में भी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। हाल ही में केआरके उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह देते नजर आए। कमाल राशिद खान ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता की लालच में ना रहे। यूपी की सत्ता को लेकर किए गए कमाल आर खान के इस ट्वीट पर ढेरों लोगों के भी रिएक्शन सामने आने लगे। कमाल आर खान ने अपने पोस्ट में कहा, दुनिया में सबसे बुरी बला है लालच। अगर आप दोनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता के लालच में रहेंगे तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। कम से कम यूपी के लोगों की भलाई की खातिर आप दोनों फौरन गठबंधन कर लीजिए और आने वाले इलेक्शंस में साथ मिलकर चुनाव लड़िए। इस सलाह पर कुछ फैंस उनके सपोर्ट में आए तो कुछ फैंस उनकी चुटकी लेते नजर आए। ऐसे में एक फैन ने कमेंट किया कि अगर ऐसा ही है तो आप और सलमान खान क्यों नहीं गठबंधन कर लेते। 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल की आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा सुपरहिट थी। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक सब हिट थे। 20 साल बाद फिल्मकार अनिल शर्मा गदर का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। पता चला है कि गदर 2 भी भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बनाई जाएगी। गदर 2 के बाद अनिल शर्मा धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और करण के साथ अपने 2 भी बनाएंगे। जी स्टूडियोज में झोली भर कर एंटरटेनमेंट की बारिश होने वाली है। वैसे भी जी स्टूडियोज कभी भी खाली नहीं रहता और अब उसमें बड़ी फिल्में आने वाली हैं। सबसे पहला नाम है फिल्म सनक का। फिल्म का पोस्टर भी रिलीज हो चुका है जिसे देखकर अब फैंस फिल्म के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। फिल्म में विद्युत जामवाल होंगे और पोस्टर देख के लग रहा है कि फिल्म में भरपूर एक्शन भी होगा। सनक के बाद नंबर है तेलुगु फिल्म रिपब्लिक का। इस फिल्म का इंतजार फैंस काफी अरसे से कर रहे थे और अब फाइनली ये आने वाली है। उसके बाद तेलुगु फिल्म वालीमाई भी लाइन में लगी है जिसकी शूटिंग 2 साल से चल रही है। वालीमाई पोंगल के अवसर पर रिलीज हो सकती है। इस सबके बाद 24 सितंबर को रिलीज हो रही है किस्मत 2। ये एक पंजाबी फिल्म है और 2018 में आई फिल्म किस्मत का सीक्वल है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और फिल्म जगत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।
धन्यवाद।